अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चौधरी मोहम्मद असलम एसटी कम्युनिटी से ब्लॉक बोंजवा से। मैंने जनाब कुछ देर पहले एक वीडियो शेख जफरुल्ला साहब की सुनी, जिसके बीच उन्हें मारा इंद्रवाल का एमएलए प्यारेलाल शर्मा की शान में कोई बद लफ्ज बोलिया, जिसकी हम गुजर कौम ब्लॉक बोंजवा के अलावा छात्रों मुगल मैदान कैशवान वार्ड वन मड़वा जितना भी उसका वोटरान और वर्करा ने उसकी मजम्मत करा। शेख जफरुल्ला साहब ने यह कहना चाहवा कि जड़ा अपना लफज तम बोले और तम कहें कि मैं एक बहुत पढ़े लिखे भी इंसान हाँ, लेकिन तेरा ते मारो एक अनपढ़ ते अनपढ़ गुजर भी जड़ो है वो अच्छी सोच रखा है। प्यारीलाल शर्मा साहब ने लोगों की खिदमत इब्तदा ते की भी है और करें और करता रहेगा। जनाब जफरुल्ला साहब ने हम यह कहना चाहवा कि यो एक ख्वाब तेरो थो जो अलायंस के अंदर भी तू सीट जीत नहीं सक्यो क्योंकि लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं कियो। लोगों ने प्यारीलाल शर्मा साहब ने वोट देगा एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत नाल कामयाब कियो और तू ये भूल जा कि अगर तू 50 साल भी इलेक्शन लड़ागो तू इंद्रवाल तक कदे भी जीत नहीं सकोगी। 50 साल तोड़ेगा भी अगर प्यारीलाल शर्मा साहब की ज़िंदगी रही कोई दूजो कैंडिडेट उसकी ज़िंदगी हयात ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ने की कुवत नहीं रख सकते। प्यारीलाल शर्मा साहब ने जीतने से पहले या जीतने से बाद में अपना घर ते अपना जेब ते गरीब गुरबा मदारिस मस्जिद और मसकीन की जो खिदमत की हुई है बाकी भी जो भी उसने काम किया जिसरा वार्डवन के अंदर आगो कोई मसलो हो और जो उसने उत कियो वो उसने किसी CDF या किसी हुकूमत का पैसा वर नहीं कियो, उसने गरीबों की मदद समझ गया वो मदद की। अगर तू कर्जदार है जफरुल्ला साहब तीना 5 या 10 लाख रुपये लेने की कोई लालच है तो तू प्यारीलाल शर्मा साहब को आ जा और उसने कहो कि मीना यह जरूरत है और मीना दे, लिहाजा तू जो कह के उसना 7 करोड़ या 8 करोड़ या 10 करोड़ कर्जो है बेशक कर्जो उसना है लेकिन उसका अरबों का हिसाब ना ठेका भी चला करे वो काम भी करे और वो गरीबों को रहनुमा है। गरीब आवाम जड़ी खास तौर पर गुजर तबको है, गुजर तबको आम तेरा जिसी सोच रखने वालों नहीं है, वो किसी वक्त भी तिना किसी स्टेज के ऊपर भी नंगो कर सके। लिहाजा आज ते बाद हम इस बात की मजम्मत करा कि आज ते बाद प्यारीलाल शर्मा साहब की शान में अगर ते दोबारा ऐसा बद लफज बोलिया तो नाकाबले बर्दाश्त होएगा, हम मजबूर हो जाऊंगा कि किसी भी जगह अगर तू उसकी इज्जत पर कोई हाथ उठावा वो कोई गल करा वो कि हम तेरी इज्जत उतारने में कोई फर्क बकायो नहीं कर रखा। लिहाजा हम ये वार्निंग दिया कि आइंदा वास्ते तू अपनी जबान न संभाल कर गल करिए ना कि तू ऐसा बद लफज इस्तेमाल करिए। तेरो कहना था कि मैं एक बहुत बड़ा क्वालिफाइड इंसान हाँ और मैं पढ़े लिखे भी हाँ लेकिन तेरा ते मारा अनपढ़ अच्छा है, तू हमारे सामने बिल्कुल नील बटा नील अनपढ़ है, एक बच्चों है दूध पीने वालों बच्चों, तू अपना आपना पहले बोलन को जुड़ो है वो तरीको दस कि मैं बोलूँ किस तरीका ना बोलनो सीख पहले और उसके बाद तू लीडरी की सोच रखिए। लिहाजा मैं उम्मीद करूँ कि आज के बाद जफरुल्ला साहब तू ऐसा लफज नहीं वो बोला भी और हमना मजबूर ना करिए भी हम सड़कों पर उतर गए जनाब अली मड़वा तोड़ेगा भी तेरों जनाब अली एहजाज कर सकें इस बारह के बीच कि एक MLA प्यारीलाल शर्मा साहब और तू उस MLA वास्ते क्या वो तेरा MLA नहीं है, तू ने हार क्यों भी है, तू तो आम वोटर है और तू उसके बारे में बाकी का कैंडिडेट क्यों नहीं बोलता था। जनाब सरूड़ी साहब था जिसको सरूड़ी साहब को और प्यारीलाल शर्मा साहब को मुकाबला हो रही हुई इंद्रवाल के अंदर, तारिक साहब मारा ईद का बंजवा का लीडर है लेकिन उनने भी ऐसी बात नहीं की जैसा लफज तू एक बच्चों होने का नाता करे। लिहाजा आज के बाद ऐसी बात हम ना सुना भी इस पर तुम कंट्रोल करियो इन्हें लफ्जों में रुख्सत हो। अस्सलामु अलैकुम।